हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डीजल साइकिल पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ डीजल इंजन हैज अ कंप्रेशन रेशियो ऑफ 15 एंड हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर टेक्स प्लेस एट 6% ऑफ द स्ट्रोक। फाइंड द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ द डीजल साइकिल। ओके, देखिए क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है पहले ये देखते हैं और इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है। सबसे पहले गिवन डेटा लिखते हैं हम। अ डीजल इंजन हैज अ कंप्रेशन रेशियो ऑफ 15। ओके, मींस हमें क्या दिया है, कंप्रेशन रेशियो। ओके, कंप्रेशन रेशियो कितना दिया है, 15। कंप्रेशन रेशियो को हम किससे शो करते हैं, आरसी से। ओके, आरसी इज इक्वल टू कितना दिया है, 15। ओके, नाउ हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर टेक्स प्लेस एट 6% ऑफ द स्ट्रोक। ओके, ये पर्टिकुलर लाइन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम लिख लेते हैं, इसके बाद समझते हैं कि ये दिया क्या है। ओके, हीट एडिशन इज टेक्स प्लेस 6% ऑफ द स्ट्रोक। ओके, 6% ऑफ द स्ट्रोक, जो हीट एडिशन है वो स्ट्रोक का कितना परसेंट है, 6% है। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। ओके, हमें क्या निकालना है, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी निकालना है। एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी डीजल साइकिल ऑटो साइकिल के लिए क्या थी, 1-1/(1) कंप्रेशन रेशियो की पावर γ-1। ये फॉर्मूला किसके लिए था, ऑटो साइकिल के लिए था। डीजल साइकिल के लिए कट ऑफ रेशियो एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है, कट ऑफ रेशियो के साथ हमारी एफिशिएंसी आ जाती है। ओके, तो 1-1/(1) कंप्रेशन रेशियो टू द पावर γ-1 × γ। ओके, ऊपर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ρ-1 आता है। ओके, तो यहां पर आएगा ρ-1 और यहां पर क्या लगा दीजिए, गामा। यहां पर रो क्या है, रो है कट ऑफ रेशियो। क्या है ये, कट ऑफ रेशियो। ओके, सबसे पहले हम साइकिल का डायग्राम बना लेते हैं। ओके, डीजल साइकिल का डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये डायग्राम बन रहा है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के बीच में, इसमें प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। डीजल साइकिल जो है इसमें कितनी प्रोसेस होती है, डीजल साइकिल में टोटल कितनी प्रोसेस होती है, 4 प्रोसेस होती है। ओके, कंप्रेशन, हीट एडिशन, एक्सपांशन एंड एग्जॉस्ट। ओके, नाउ इसको हम जनरली किस तरह से बनाते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ, सक्शन हुआ। डीजल इंजन में जो सक्शन होता है वो ओनली किसका होता है, एयर का। नाउ एयर को हम क्या करते हैं, कंप्रेस, तो ये होता है कंप्रेशन। ये सारी बातें हम देख चुके हैं, हम डीजल साइकिल की एफिशिएंसी को भी ड्राइव कर चुके हैं। ओके, 1-2 इज द कंप्रेशन, और ये कंप्रेशन कौन सा होता है, एडियाबेटिक कंप्रेशन। ओके, 1-2 इज द एडियाबेटिक कंप्रेशन, 1-2 इज द एडियाबेटिक कंप्रेशन, ये 0.0 है। नाउ हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर 2-3, एक्सपांशन एंड कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। ओके, ये कंप्लीट प्रोसेस है। ओके, इस प्रोसेस को हम लिख लेते हैं, प्रोसेस 1-2 कंप्रेशन। ओके, प्रोसेस 2-3 हीट एडिशन। प्रोसेस 2-3 इज द हीट एडिशन। प्रोसेस 3-4 is the expansion. Okay, process 3-4 is the expansion, and process 4-1 is the heat rejection. Heat rejection. Okay, ये process थी हमारे पास। अब देखिए process 2-3 में क्या हो रहा है, heat addition हो रहा है। हीट एडिशन का क्या मतलब है, यहाँ पर हीट एडिशन का मतलब है कि इस पॉइंट से फ्यूल स्प्रे होना स्टार्ट हो रहा है और इस पॉइंट पर फ्यूल स्प्रे होना एंड हो रहा है, खत्म हो रहा है। देखिए क्या दिया क्वेश्चन, हीट एडिशन इज द 6% ऑफ द स्ट्रोक। इसका मतलब यह हुआ
कि ये जो 2 to 3 वाली लाइन है, ये लाइन टोटल स्ट्रोक लेंथ का कितना परसेंट है? 6% है, ये क्वेश्चन में गिवन है। इस एक्सेस पर क्या होता, इस एक्सेस पर हम वॉल्यूम को शो करते हैं, ओरिजिन से यहां तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी है? v1। ओके, ओरिजिन से ये डिस्टेंस कितनी है? v2। ओके, तो ये बीच वाली डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी? v1 माइनस v2। क्या होगी? v1 माइनस v2। और 2 to 3 के बीच ये डिस्टेंस क्या होगी? ये होगी v3 माइनस v2। यहां पर v1 जो वॉल्यूम है वो बड़ा है, v2 वॉल्यूम जो छोटा है, v3 वॉल्यूम v2 वॉल्यूम से क्या है? बड़ा है। अब हीट एडिशन की बात करें तो हीट एडिशन इज इक्वल टू 6% ऑफ द स्ट्रोक। इसका मतलब क्वेश्चन में आपको दे रहा है कि हीट एडिशन v3 माइनस v2 इज द 6% ऑफ द स्ट्रोक, 6% ऑफ द स्ट्रोक। और स्ट्रोक क्या है? v1 माइनस v2 ये स्ट्रोक है। ओके, v3 माइनस v2 इज द 6% ऑफ द स्ट्रोक। क्वेश्चन में कंप्रेशन रेशियो गिवन है, कंप्रेशन रेशियो कितना दिया? 15। और कंप्रेशन रेशियो का मतलब क्या होता है? कंप्रेशन रेशियो का मतलब होता है v1 बाई v2, ये कंप्रेशन रेशियो का मतलब होता है। थर्मल इफिशियंसी को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए? हमें कट ऑफ रेशियो चाहिए, हमें कंप्रेशन रेशियो चाहिए। कट ऑफ रेशियो क्या होता है? कट ऑफ रेशियो होता है v3 बाई v2 इज द कट ऑफ रेशियो। ओके, v3 बाई v2 इज द कट ऑफ रेशियो। कंप्रेशन रेशियो क्या होता है? v1 बाई v2। तो कंप्रेशन रेशियो तो हमें पता है, अगर हम कट ऑफ रेशियो कैलकुलेट कर लें तो हम थर्मल इफिशियंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन में कट ऑफ रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए ये आपको इक्वेशंस दी हुई हैं, इन इक्वेशन को सॉल्व करके आपको क्या निकालना है? कट ऑफ रेशियो कैलकुलेट करना है। ओके, कट ऑफ रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करें? v3 बाई v2 बना लेते हैं, वही कट ऑफ रेशियो का। तो हम क्या करें, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ हम v2 का क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड। लेफ्ट साइड में डिवाइड कर रहे थे, हो जाएगा v3 बाई v2 माइनस 1। ओके, इज इक्वल्स टू 6% ऑफ द स्ट्रोक, 6 बाई 100। v1 माइनस v2 माइनस 1। v1 माइनस v2 इज द कंप्रेशन रेशियो। ओके, ये दिया कंप्रेशन रेशियो, 6 बाई 100 इंटू 15 माइनस 1। ओके, v3 बाई v2 इज द कट ऑफ रेशियो, ρ माइनस 1। कट ऑफ रेशियो ρ इज इक्वल टू 0.06। ओके, मल्टीप्लाइड बाय 14 प्लस 1। ओके, यहां से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं आप कट ऑफ रेशियो। कट ऑफ रेशियो आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करिए, जिसकी वैल्यू लगभग आपके पास आएगी 1.84। ओके, कितनी आएगी? 1.84। इस कट ऑफ रेशियो की वैल्यू आप इस इक्वेशन, इस इफिशियंसी के फॉर्मूले में पुट करिए। थर्मल इफिशियंसी का फॉर्मूला है हमारे पास 1 माइनस 1 अपॉन गामा कंप्रेशन रेशियो की पावर γ-1 ρ to the power γ-1 डिवाइडेड बाई ρ-1। वैल्यूज पुट करते हैं, कंप्रेशन रेशियो की वैल्यू कितनी है? 15। एंड गामा की वैल्यू क्वेश्चन में अगर आपको गिवन नहीं है, एयर स्टैंडर्ड का केस है, तो गामा की वैल्यू आपको हमेशा कितनी रखना है? 1.4। हमेशा कितनी रखना है? 1.4। तो थर्मल इफिशियंसी का फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, थर्मल इफिशियंसी 1 माइनस 1 अपॉन 1.4 मल्टीप्लाइड बाय 15 γ-1। गामा की वैल्यू कितनी है? 1.4 माइनस 1 मीन 0.4। ओके, न्यूमरेटर में क्या आ रहा है? न्यूमरेटर में आ रहा है आपका 1.84, 1.84 टू द पावर 1.4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1.84 माइनस 1। ये पूरी इक्वेशन है, इस पूरी इक्वेशन को आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपके पास थर्मल इफिशियंसी आ जाएगी। थर्मल इफिशियंसी इसको कैलकुलेट करने के बाद लगभग आ रही है 61.2% लगभग इसकी इफिशियंसी आ जाएगी। ओके, तो इसका आंसर आ रहा है 61.2%। ओके, मैं यहां पर आंसर लिख देता हूं, यहां पर थर्मल इफिशियंसी जो आ रही है ये आपका आंसर है। थर्मल इफिशियंसी फाइनली जो हमें कैलकुलेट करनी थी, थर्मल इफिशियंसी आ रही है 61.2%। ओके, कितनी आ रही है? 61.2%। सिंपल क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था।
ट्रिकी कैसे था, क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट जो दिया था, इस स्टेटमेंट को आपको लिखना आना चाहिए कि ये जो लाइन है, ये लाइन इस लाइन का कितना परसेंट है, 6% है। ओके, मतलब टोटल स्ट्रोक का 6% आपने क्या किया, हीट एडिशन किया है। हीट एडिशन का मतलब क्या है कि फ्यूल स्टार्ट किया इंजेक्ट करना एंड देन फ्यूल को हमने क्या कर दिया, एंड कर दिया इंजेक्ट करना। तो ये है हीट एडिशन। ये हीट एडिशन इस पर्टिकुलर लेंथ का 6% है, तो इसको हमने इसका 6% लिख के यहाँ पर कट ऑफ रेशियो को कैलकुलेट किया। कंप्रेशन रेशियो हमारे पास ऑलरेडी पहले से ही था, तो कंप्रेशन रेशियो कट ऑफ रेशियो को इफिशियंसी के फॉर्मूले में रख दिया हमने, हमारे पास इफिशियंसी आ गई 61.2%। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस देखेंगे जो कि डीजल साइकिल पे बेस्ड होंगे। थैंक यू।